हामी चाहिँ जाँदैछौँ मसुरी पर्दा पर्दा यसको क्या बोल्थे यसको क्या बोल्थे लुङ्दा 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 यसै लुङ्दा बोल्दा यसका मतलब बतायो कि हावाको फ्रेस गर्ने का होइन हावा लेके जाएगा हाँ साथीहरू आज चाहिँ हामी अहिले चाहिँ यहाँ गाडीमा बसिसक्यो साथीहरू छ साथीहरू चाहिँ पेट्रोल भर्नको लागि बाहिर गएको छ अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ मसुरी यो चाहिँ देहरादुनदेखि 40 किलोमिटर 36 किलोमिटर 37 किलोमिटर माथि छ यस्तो दामी मतलब कि भनौँ कि म्याक्सिमम् देहरादुनको मान्छेहरू गर्मीको समयमा टुरिस्ट प्लेस भनौँ न घुम्न जाने ठाउँ हो म तपाईँहरूलाई त्यो बारेमा देखाउँदैछु त्यो ठाउँमा जाँदैछु जाँदाखेरि बाटोमा कस्तो हुन्छ होइन यताउता देखाउँदैछु हामी चाहिँ 5 जना हिँडेको छ एक आज्ञा दावा या दावा हो अनि अरू छन् कति 3 जना 2 जना 3 जना पछाडि छ हामी टोटल 5 जना जाँदैछौँ आजको ट्रिप चाहिँ मसुरीसम्म हो हामी चाहिँ अहिले यहाँ काल्सीमा छौँ काल्सीको पेट्रोल पम्प पेट्रोल भर्दैछ अनि यस्तो भ्यू छ अगाडिको चाहिँ त्यसै मैले त ड्यास क्याम्प पनि लगाएको छु ड्यास क्याम्पबाट पनि देखाइहाल्छ यदि राम्रो राम्रो भ्यूहरू आयो भने माइक त खै माइकले राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन होइन हेलो साथीहरू यो चाहिँ म मसुरी जाने बाटोमा यस्तो दामी झर्ना रहेछ कि यहाँ हेर्नु ल यो बिच बाटोमा पर्छ अनि यसको भ्यू हेर्नु ल यस्तो दामी देखिरहेको छ होइन हामी अनि यहाँनिर एउटा ड्याम छ जुन ड्यामको चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु होइन पछि फर्किँदा बनाउनु होला सिन चाहिँ दामी छ होइन मान्छेहरू एकदम रमाइलो गर्दैछ मान्छेहरू होइन एकदम रमाइलो गर्दैछ ल हेर्नु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि होइन ल हेर्नु त कति रमाइलो मानिरहेको छ पानी चाहिँ होइन आमामा भिडियो यहाँ हाम्रो फोटो सेसन चल्दैछ 2 जनाको दावा दोर्जे अरू यहाँ सानो सानो दोकान रहेछ जुन चाहिँ ठ्याक्क बाटोमा पर्छ धेरै मान्छे आएको छ यहाँनिर चाहिँ घुम्नलाई यो मसुरी चाहिँ एकदम फेमस ठाउँ हो कि मैले अघि नै भनिसकेँ अहिले मसुरी पुगेपछि देखाउँछु म मसुरीमा कति मान्छे छ यो चाहिँ ड्याम उता लगभग 2 किलोमिटर अगाडि छ तर पानी जम्न चाहिँ यहाँदेखि सुरु भइसकेको छ होइन तर आज चाहिँ अलि त्यो तमालो लागे जस्तो भएको छ क्या मौसम नत्र दामी हुन्थ्यो होला धेरै मान्छे आएको छ चलो चलो नै पाउँदैगा लेट हो जाएगा त फेरि होइन हामी हाम्रो पास ज्यादा टाइम नै है बन्दा यो देखो पुरा जुस जुस लेके पुरा चल्दिया पुरा हाम्रो न कितना दिखाएर 1 किलोमिटर न 40 किलोमिटर देखाएर 1:30 बजी त पहुँचेको ठिक है
गलत साइड में जो ना धूप आगे से पड़ रहा है, फिर भी क्या है, अच्छा ही दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा तो ये है देहरादून का क्या बोलते हैं चक्र मसूरी कैंडी फॉल। अच्छा ये कैंडी फॉल है, कैंडी फॉल मतलब झंडा झरना, झरना नेपाली में भन्यो भने झरना हो यो चाहिँ। अनि यस्तो देखिदो रहेछ, अब मैले जुम गर्न त मिल्दैन यहाँनिर, यो गोप्रो हो नि त, पुरा पहाड पहाड है, बाप रे। कैसा है? बहुत ही खूबसूरत है ये, आपका कुछ बताओ यार, दो शब्द यार क्या बताऊं यार, बस वही व्यू देखो। हां ये बताएगा रिंजी, बताएगा अभी पहले तो मैं मशरूम में परे करते ना, तो परे छोड़ कर चार साल के बाद अभी मशरूम में है ना, मशरूम में आ गया, बहुत खुश हो रहा है मेरे को है ना, चार साल के बाद आ रहा है कर, आ गया करके मैं, मतलब फिर तो बस मशरूम का सब पता है तुमको है ना, पता इन्हें घूमता भी नहीं है, स्कूल में तो बैठते बैठ के बैठते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं घूमता, ऐसे स्कूल में ऐसे ही बैठा है। फिर जगह का नाम तो पता होगा है ना, क्योंकि अब ये तो कैंडी फॉल बोलते हैं, ये कैंडी फॉल बोल दिया। कब आते हैं हम लोग है ना, क्या बोलते गर्मी महीने में आते हैं हम लोग है ना, फैमिली क्या बोलते हमारा वोट के, अरे क्या बोलते हैं वोट, अरे हेलो अरे क्या हो वार्डन के साथ आते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि गर्मी महीने में ना कुछ पास में ना जब छुट्टी जाते है, बाकी स्कूल में बैठते है ना, दूर दूर वाला बैठते है और वार्डन के साथ है ना यहाँ पर नहाने के लाते हैं, गर्मी के साथ है ना, ऐसे वार्डन वार्डन वो होता है जो क्या बोलते हैं क्या पेरेंट्स पिता क्या स्कूल का पिता है जो क्या बोलता है उसमें स्कूल में स्टे करते हैं ना, यहाँ पर हॉस्टल बोल देना, हॉस्टल में जो सबसे हाँ निकले, मगर यह केबल कार भी है, केबल कार के थ्रू जाता है नीचे वाटरफॉल में ना, अभी तो मसूरी पहुँचने वाला था मगर फिर क्या करे, 10 किलोमीटर पूरा जाम लग गया यहाँ, तो ऐसे जाम लगेगा तो हम टाइम में नहीं पहुँच पाएगा है ना, बिल्कुल पीछे चार पाँच बंदा, तीन बंदा बैठा है, आगे दो बंदा, पाँच बंदा हो गया, हमारी तरफ से तो दुआ है क्या दुआ है बता दो बता दो, हमारी तरफ से दुआ है रास्ता खुल जाओ आए तो टच एंड बैक करने के लिए, तो टच करने से ठीक है, टच एंड बैक करने के लिए तो आया नहीं, मगर फिर भी क्या ये ऐसा ही लग रहा है, टच एंड बैक होगा, दो शब्द बताओ यार, ऐसे मत बोलो यार, मैं थोड़ा ना वो टेंशन में थोड़ा घर में फोन किया था ना, बीबी ने मत जाओ बोल बीबी को कितना हजार का घड़ी का खरीदा ये तो बता दो, बता दो 15,000 वो भी ICA 15,000, नेपाली बोलेगा नहीं ना, फिर नेपाली बोलेगा तो 24,000 हो गया। ये हम लोग क्या मसूरी आ गया, अब मसूरी में ना टिबेटन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना, टिबेटन रेस्टोरेंट में क्या क्या देखते हैं, ये है टिबेटन रेस्टोरेंट में गया था मगर क्या है टाइम लगेगा बोला है ना, मोमो बनने में एक आधा घंटा लगेगा बोला, अब हम जाएंगे हम उधर जाएंगे गुम्पा में, गुम्पा आधा घंटा लगेगा घूमने के लिए, तो उसके बाद तब तक यहाँ बन जाएगा मोमो, फिर हम आके मोमो खा लेंगे, नहीं आएगा क्या मोमो खाने, मार्केट में खाएगा, अरे ठंडा है बहुत यहाँ है ना, क्या है ना कोई नहीं मार्केट में खाएगा, मार्केट में खाते हैं यार, उल्टा हो गया आज ना, बिल्कुल उल्टा पर्यो भयो, यत्रो टाढा ल्यायो अनि फेरि फर्केर वहाँ पर लगेर पार्किङ गर्नु पर्यो, यस्तो भिड छ कि यहाँ पुरै होइन, यहाँ पुराको पुरा गुम्बा देख्न आउने मान्छे हेर्न आउने मान्छेहरूको एकदम भिड छ, बाटो साँगुरो छ, दुईपट्टि यसरी बाइकहरू पार्किङ गरिदिएछ, अनि त्यहाँ त अब हामीले पनि गाडी पार्क गर्छ भनेपछि यिनीहरूले बाइक पनि पार्क गरिहाल्छ, सिम्पल कुरा हो, टिबेटन मार्केट है यो खासमा चाहिँ नै पुरा त टिबेटन है, फेरि टिबेटन मार्केट हो क्या टुरिस्ट आएको गुम्बा
गुम्बा जाने का रास्ता है यही चाहिए हो और ये होम से स्कूल है ये पूरा तित्ती बच्चों का पूरा टिबेटियन आइटम है यहाँ तो फोटो खींचेगी चलो पर्दा पर्दा इसको क्या बोलते हैं है? इसको क्या बोलते हैं लुंगदा 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 इसे लुंगदा बोलता है इसका मतलब होता है कि हवा को फ्रेश करने का है ना यही सुना था मैंने यही है क्या अंदर है ना मंत्र है मंत्र है हाँ तो हवा ले जाएगा ना हवा लेके जाएगा हाँ फिर उससे क्या होगा सबको पहुँच जाएगा अच्छा ये है ऐसा है मामला इसके अंदर मंत्र है जो हवा सबको पहुंचाता है बोलता है ना टिबेटियन क्या बोलते हैं कल्चर के हिसाब से अपना अपना सोचने का तरीका है मगर दिखता तो अच्छा है हवा चल रहा है ना जी देखो ये जो है ना ज़्यादातर है ना पहाड़ी इलाका हाँ पहाड़ के जो चोटी चोटी होता है ना उसमें देखा मैंने ज़्यादातर है ना वहाँ पर हवा को फ्रेश करने का है ना वैसे फ्रेश है पहाड़ में तो हवा फिर मंत्र का क्या ज़रूरत है एक बात ना वैसे भी फ्रेश है ये देखो ऐसा मामला है कुछ ऐसा दिखता है मसूरी ये जो है ना मंदिर मंदिर है ना अभी गुम्पा गुम्पा यहाँ से तो नहीं दिख रहा थोड़ा थोड़ा साइड साइड से दिखाएगा चलो मंदिर है ना हाँ, लाल वाला हाँ, उसके नीचे क्या कब सब लोग यहाँ पे आते है बाकी है ना 6, 8, 9, 10 है ना सबको डिवाइड कर दे अभी यहाँ पे है ना जो दिख रहा है ना वो छोटा छोटा बहुत है ना उसमें भी लड़की है 6 दूसरा मैंने पहले बोला ना 8 और 18 में ना उसमें भी लड़की है जब 11, 12 क्लास आ जाएगा ना तब यहाँ पर शिफ्ट करेगा अच्छा अच्छा क्योंकि गलत से बोलते हैं ना हाँ ये देखो यहाँ पर बुद्धा पार्क बुद्धा पार्क बाप रे ये इसको लुंग बोलते हैं ना लुंग लुंग से भर दिया रे बाप रे गुजरात का थर्ड पार्क तो इसमें ये है एक एक क्या बोलते हैं यूरोप में है ना वो जो क्या अम्ब्रेला पार्क ऐसे लग रहा है ये लुंग पार्क हो गया लुंग क्योंकि लुंग से भर दिया ना पूरा इसको बोलते हैं लुंग जो है टिबेटियन में हवा को फ्रेश करने का है ना लुंगदा लुंगदा ठीक है लुंगदा मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसके लिए सॉरी फॉर दिस वर्ड्स कोशिश तो ये रहता है कि सही वर्ड प्रोनाउंस करने का मगर होता नहीं ना अपना लैंग्वेज नहीं है फिर गलत हो जाता है फिर भी ये तो भर दिया रे भाई झुक झुक के चलने का बना दिया पुराना वाला निकालते रहना चाहिए ना इसी के ऊपर खाद तो प्लस करते करते जाएगा तो ऐसे होगा ना कुछ तो चेंज करते जाओ पुराना वाला निकालो नया डाल दो ये क्या करता है ये डोनेशन करता है या ये कैसे होता है हाँ इसी के लिए आते हैं सारे सारे के सारे ये देखो भीड़ लगी रखी है कोई नहीं राम्रो कुरा हो बुद्धलाई सबले मान्छ कि एक्चुअलमा बुद्धले आफूलाई त भगवान् त भनेको होइन तर पनि बुद्धलाई भगवान् जस्तो मान्दैछन् सबैले हे भ्यु ये कुछ अच्छा ही लग रहा है ना वो क्या है रिंजी आ जाओ ना तुमको पता है थोड़ा इधर का ना ये तो स्टेडियम लग रहा है और हेलीपैड ये क्या है वुड स्टॉक यही तो नहीं है हाँ वुड स्टॉक शायद यही होगा पता नहीं फिर भी
अच्छा कोई नहीं, ये है मसूरी का गुम्पा है जहाँ मैं जा रहा हूँ। यहाँ पता नहीं क्या क्या लिखा है, मगर जो भी है ना, इन लोग का जो पेंटिंग डिजाइन है, डिजाइन बहुत अच्छा होता है ना बुद्ध धर्म में, मतलब बुद्धिस्ट लोग ना पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते हैं। ये ना कुछ पैसा दे के भी सीख लेते हैं, हमको भी बोल रहा था कि सीखो, मगर ऐसा तो सीखा नहीं। ये क्या पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते हैं ना, खराब हो जाता है, ऐसे टच तो नहीं करना चाहिए, फिर भी छूने का मन गया। छेडुप छोपलिंग क्या है, टेम्पल तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे ये गुम्पा है ना, मगर ये क्या है कि इंडिया में ना हर मतलब रिलीजियस प्लेस को टेम्पल बोल रहे हैं ना, तो सबको टेम्पल बोल दिया। ये वैसे तो गुम्पा है मगर लिखा तो टेम्पल है, प्रेयर विल। ये जो है ना घुमाने का है, ये ना हमेशा दाहिने तरफ से चलना है और ऐसे घुमाते रहेगा, तो इससे ना क्या बोलते हैं कि मनोकामना पूरा होता है, ऐसे तिब्बतियन का मानना है। गुम्पा में हर जगह लगा रहता है, ये तो काठमांडू में भी है, हर जगह ऐसे है। कैसा आ रहा है पता नहीं है ना, मगर मैं तो कोशिश कर रहा है अच्छा करने का। ये ऐसे घुमाना है, ये दाहिने हाथ से ना ऐसे घुमाना है। रिलीजियस व्यू है ये तो बहुत अच्छा है। गुम्पा में ना ये है ड्रेस लामा जी का जो मेरे सामने है, दर्शन तो लेना है मगर जूता खोलना पड़ेगा, मुश्किल यही है ना, कहीं भी जाएगा तो जूता खोलना पड़ेगा है ना। ये देखो कितना अच्छा है, मगर जाना तो पड़ेगा अंदर, बहुत अच्छा होता है ना गुम्पा के अंदर ना, शांत होता है, मगर वीडियो करेगा तो फिर हल्ला हो जाएगा। ठीक है मैं इसे बिना बोले, हाँ अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लिख रखा है। ठीक है कोई नहीं, देखो बाहर से दिखा देता हूँ ना। बाकी तो छोटा छोटा है, इसको क्या बोलते हैं ये बड़ा वाला को? हाँ माने ये बड़ा वाला हो गया ना, ये तो अच्छा बड़ा वाला माने, ये है बड़ा वाला माने। नहीं इसको बोलते हैं लाफिंग, ये हम है अभी मसूरी में, और लाफिंग ना यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मेरे को। आधा घंटा बाद ठीक हो जाएगा, रेडी हो जाएगा बोला था, अभी तो खाली खाली हो गया भाई। ये मोमो नहीं है बोला, हाँ ठीक है, यहाँ तो कुछ मिला नहीं यार, दो बार आ गया, दो बार ही मिला नहीं, ऐसे मुश्किल है यार भाई, दो बार आया दो बार मिला नहीं, ऐसे तिब्बतियन खाना खाएगा बोल के ना, ऐसे गरीब ऐसे जगह पार्किंग की, अपना रास्ता है जैसे लग रहा है, पूरा अपना है भाई, यहाँ से आगे कोई नहीं है। चलो